अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रोट। तो रोट बनाने के लिए देखिए, हमारे पास ये ड्राई फ्रूट्स है, खोपरा है ग्रेट करा हुआ, और काजू बादाम पिसते हैं, और केसर वाला दूध है थोड़ा, इसमें हम केसर डाल के रख दिए, ज़ाफ़रान, और ये 2 कप शक्कर है हमारी, 1 कप मावा है खोआ, और किशमिश है थोड़े से, और 1 कप किशमिश है, और घी लेंगे तलने के लिए, और ये देखिए ये भी आटे में जाएगा, ये 1 पिंच सोडा है, ये बिल्कुल थोड़ा सा, और इलायची पाउडर है, और ये नमक है, नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे, और ये जब हम रोट सेकेंगे तो ऊपर से हम ये गार्निश करेंगे, खशखश और खोपरा है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। अब हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को घी में तलेंगे, हल्के हल्का भुनेंगे घी में। हम पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे, भूनेंगे इसको। ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े से हो गए हमारे, अब हम इसमें ये ग्रेट करा हुआ खोपरा डाल देंगे, इसको भी थोड़ा इसी में भून लेंगे। थोड़ी सी खसखस डालेंगे, अब हम इसमें ये किशमिश डाल देंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। पैन में हम फिर थोड़ा सा घी डालेंगे, आटा भुनेंगे। अब 1 कप है हमारा, 1 कप से हम ये हम 5 कप आटा लिए, हम गेहूं का आटा है हमारा, ये मैदा नहीं डाले हम इसमें, तो हम इसको थोड़ा सा खुशबू आने तक भुनेंगे आटे को। ये हमारा हल्का हल्का भुने गया आटा, अब हम इसको निकाल लेंगे। फिर अब यही पैन में फिर थोड़ा सा घी डाल के फिर हम रवा भुनेंगे। रवा डालेंगे, अब हम ये रवा भी निकाल, नमक डालेंगे, इलायची पाउडर, और ये थोड़ा सा 1 चुटकी 1 पिंच खाने का सोडा, ये गया मावा और शक्कर, शक्कर टेस्ट के हिसाब से लेंगे शक्कर, और शक्कर पिसी हुई भी डाल सकते, और ये ड्राई फ्रूट्स। इसको अच्छा मिक्स करके हम
घी डालेंगे हम इसमें, 2 बड़े चम्मच है ये घी। और अब हम इसको अच्छा मिक्स करेंगे। शक्कर टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ज्यादा मीठा खाना है तो ज्यादा शक्कर, अगर कम खाना है तो कम शक्कर मिलाइए। ये केसर वाला दूध है, हम ये जाफरान डाल के रख दिए थे दूध में, तो ये दूध डाल के हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के भिगाएंगे। ये रोट हम तवे पे बनाएंगे। ये आटा, ये हमारा रोटों का आटा तैयार है। अब हम इसको कम से कम आधा घंटा और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक हम इसको रख के रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद हम रोट बनाना शुरू करेंगे। अब हम इसको रख देंगे। अब हम रोट बनाना शुरू करेंगे। बड़े चाहे बड़े, छोटे चाहे छोटे, जैसा भी आपकी मर्जी बना सकते। हम थोड़ा छोटे बना रहे। ऐसा बना के थोड़ा सा एक खोपरा डालेंगे। थोड़ी सी खशखश, सारे रोट ऐसे बना लेंगे। ये पूरे रोट हम ऐसे ही बना लेंगे। फिर उसके बाद तवे पे थोड़ा सा घी डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक एक साइड सेकेंगे, फिर दूसरी साइड। ये हम 5 रोट जमा दिए तवे पे और हम इसको 15 मिनट तक इसको ऐसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब ये हम इसको ढक के रख दिए, 15 मिनट के बाद में देखेंगे हम। 15 मिनट हो गए हमारे, अब हम इसको देखेंगे। पलटा लेना है इसको। सही कलर आ गया हमारे रोट का। अब हम इसको भी एक 10-15 मिनट इसको भी पलटा के ऐसे सेक लेंगे, फिर निकालेंगे। ये देखिए हमारे रोट तैयार है।
एक साइड 15 मिनट, दूसरी साइड 15 मिनट रख के सेक लेना है। अब हम इसको ठंडा करके बताएंगे आपको, थोड़ा ठंडा होने देंगे। अगर ये गरम गरम रहे तो फिर सॉफ्ट रहते, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेने के बाद ये फिर थोड़ा सा दूसरे डालेंगे रोट, फिर से तवे पे फिर से थोड़ा घी डालेंगे। इसको भी 15 मिनट सेक लेंगे। फिर हम 15 मिनट इसको रखेंगे, 15 मिनट के बाद फिर से हम इसको निकाल लेंगे। रखेंगे इसको, फिर से थोड़ा सा घी छोड़ेंगे साइडों से। बस 15 मिनट के बाद फिर से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे रोड तैयार है। ऐसे रोट आप भी बनाइए, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएंगे। और मेरे रेसिपीज अगर आपको पसंद आ रहे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके बोलिए कैसे बने ये, और सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आएंगे हम। अल्लाह हाफिज़।